मशीनरी कहाँ है कि ऊपर से नीचे तक सरकारी इदारों की मनमानी, अमले की गफलत और सुस्ती ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल जिम्मेदार कौन? इस सारे मंजर में आम आदमी कहाँ खड़ा है? कुछ ऐसी ही खबरें और कुछ ऐसे ही मसाइल हम शेयर करेंगे आपके साथ। बस उठाइए फोन, कीजिए कॉल और हम बनेंगे आपकी आवाज। वेलकम टू द शो, मैं हूँ एनी खान और आप देख रहे हैं दिन वन फाइव। सबसे पहले बात करते हैं लोधरा के नवाही इलाके गोगड़ा की, जहाँ पर बाअसर जमींदार मोहम्मद जमील ने 106 साल फजलदीन से काश्त के लिए ठेका पर इराजी ली और बाद में जालसाजी करके ठेके पर ली जाने वाली जमीन को सट्टा में तब्दील करवा लिया। फजलदीन ने ठेके की रकम का मुतालबा किया तो बाअसर जमींदार ने रकम देने से इनकारी के बाद धक्के देकर अपने डेरे से बाहर निकाल दिया। मजीद हकायक जानने पहुंची दिनवन फाइव की टीम। किसके दर पर जाएं और क्या कहना था बाबा फजलदीन का, बात करते हैं दिनवन फाइव से, मुलाहिजा कीजिए। है भाई हमारे घर फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दिया जमीन पर और फ्रॉड भी क्या कर दिया, गुमठे जाली लगवा कर अपना जमीन ले गए, फिर मालिक ने कब्जा कर लिया, अपना मकान बना लिए हैं। यही भैया है ना, वो पुलिस वाले अंगले मिल रहे हैं, सुनिए, और मालिक ने जालसाजी करी है, सुनिया जमील ने, और जो है बंदा मारा को मेहती बने है ना, उसे दरखास्त देते हैं। चार मर्तबा डीपीओ ऑफिस में इंक्वायरी हुई मगर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस भारी रिश्वत लेकर मुलजिमान से मिली हुई है। मजीद क्या कहना था फजलदीन के बेटे मोहम्मद रफीक का, वो भी सुनिए। और ये मेरी बीवी के नाम और मेरे बेटे का फारूक के नाम रखवा, और इन्हें जमील ने और आजम ने ना मिलकर ये जैली मुस्तादरी दिखाएगा बारे से, और जैली सट्ठा करवा लिया, और डीपीओ के सामने भी बयान होएगा मैं झूठा हूँ, और डीएसपी के सामने भी मैं झूठा हूँ, और सारी अरे झूठा झूठ बोल दिया है कि भाई मैंने इनके गला फ्रॉड कराया है। आगे से मुझे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, रोजाना है ना जो दूसरे तीस दिन आएगा वो जमील वगैरह फायरिंग कर रहे हैं और हमारे ना हिरासा कर रहे हैं, हमारे ऊपर नजायज पर्चा कर रखे है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना किसी जगह। इसके बाद बाबा फजलदीन के रिश्तेदार ने भी बात की दिनवन फाइव से, वो भी देखिए। हमारे पास 29 बंदे में पर्चा करवा दिया, हमारी जमीन मुस्तागरी दी हुई थी, मुस्तागरी का उन्होंने सट्टा का इकरार नामा बना लिया, जमील इसका ना किया आजम ठीक है ना, इन्होंने इकरार नामा बना के सट्टा बना लिया। हम उससे पैसे लेने के लिए गए, उसने कहा भाई हम तुम्हारी जमीन का मुस्तागरी जगह इकरार नामा बना के सट्टा करा लिया, हमारे 29 बंदे पे पर्चा, हमको कोई इंसाफ नहीं मिलता, निके निके बच्चे हैं, रोजाना आके धमकिया देते हैं या रोजाना पुलिस तंग कर रही है, कोई हमको रिसाई नहीं मिल रही इस चीज की। डीपीओ के पास भी तकरीबन 5-6 दफा हमारा ये इंक्वायरी आई है, इंक्वायरी में हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। अहले इलाका ने भी पर्दा उठाया कुछ मजीद हकायक से, मुलाहिजा कीजिए। अब ये इनके खिलाफ उसने कानून की कार्रवाई कर इन पर पर्चा भी करा दिया है, 9 आदमियों पर पर्चा है, 20 नामालूम लिखवार के हैं, जो भी इनकी हमायत करता है उसी के खिलाफ ये कानून की कार्रवाई करके उस पर पर्चा करा देता है। लिहाजा ये है कि हम डीपीओ के पास भी पेश हुए थे, उसने आपकी ये गलती भी उसने तस्लीम की है कि भाई मैंने ये चक्कर चलाया है, उसके बाद भी हमारे पास ये पर्चा हो गया, हमें रात दिन पुलिस तंग कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद अरशाद है और मैं इनका हमसाया हूँ, और हमारा रकबा भी मुश्तरका साथ ही है मेरा रकबा। बात यह है कि इन्होंने हमारी जमीन को जमीन जो है ना मुस्तागरी पे दी थी, जिसकी वजह से बाद में ये मालूम चला, हमें पता चला है कि उसने जो है ना सट्टा लिखवा के जो है ना एक तरफा कब्जा करने पे आ गया, तो जालसाजी करने लगा। इसके अलावा उसने 29 आदमियों को पर्चा दिया जिसमें 9 नाम ज्यादा हैं, जिसमें उसके अलावा 20 नाम मालूम हैं, जो नाम मालूम है जो भी इनकी हिमायत के लिए आता है तो वही उसका नाम रख के उसको जो है ना अंदर करा लेता है जेल में,
और पुलिस उनको तंग करती है और बार बार पुलिस आती है उन पे घर पे छापे मारती है। इसके अलावा हम हमसाए हैं उस इन्हों की वजह से हम भी परेशान हैं, क्योंकि हम बाहर जाते हैं अपनी रोजी के लिए जाते हैं तो वो हमें भी तंग करता है और ये जो है हमारा नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं कि अभी इनका नाम भी मैं रखवा दूंगा। हमें इंसाफ चाहिए खादम आला से, और क्या कहा मोहम्मद रफीक के बेटे ने आप भी देखिए। असा इन्हें नाल इन्हें सपोर्ट के खड़े थे हैं तो इन्हें सारे डूबन का ना रखा थे, मेरे वाले साहब थे, मेरे चाचा होते इन्हें ना परचे थे ना करा दे जेरे इन्हें सपोर्ट खड़ा थी उन्होंने को परचे करा देंगे। सारे भी बंदे नाम ना मालूम तो नौ बंदे नाम जाते परचा ही दिता है, जेरा बंदा इन्हें फेवरेट बुले दे जा इन्हें कितने खड़ा दी दे तो हूँ ना परचे रखवा दे चवा देंगे। एक उन्होंने बुजुर्ग है उन्होंने चवा दे शुदा तो 106 साल उमड़ी उम्र है उनको चवा दे जेल चवा सकता है। हूँ साको वजीर आला साहब को डीपीओ साहब को एक गुजारिश है कि इन्हें को साको इंसाफ दिता जाए। और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा किया है।